उसमें तक दोबारा लग गया, 15 साल छोड़ी थी मैंने, फिर दोबारा लग गया। जी 17। 17 साल? ओह माय गॉड, ये मेरे वालिद की प्रॉपर्टी है, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। बस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़्मा दाहिर और इस वक्त एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है चशमदीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुरंगी नंबर 1 में मौजूद हूँ और नासिक कॉलोनी है, लेकिन यहाँ आने का जो रीज़न है वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। कहते हैं ना कि इंसान का जो मियार होता है उसके बोलने से पता चलता है, आपके अल्फाज बताते हैं कि आप किस कदर सुथरा बोलते हैं, आपकी तरबियत कैसी है या आपने कहाँ से किस तरह से पढ़ा है। उसमें मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो या गवर्नमेंट मीडियम से पढ़ रहे हो, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर शऊर लेके आती है, जो इन बच्चों को, स्पेशली इन जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को, आज जो कुछ नहीं कहूँगी मैं, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों को कहते हैं ना आगे की तरफ लेके जाती है और आपको बताती है कि जब आप जब बड़े होते हैं तो आप किसी न किसी मकाम पे जाते हो। लेकिन इस वक्त जिस मोहल्ले में जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा यूज सा स्कूल है जिसकी हिस्ट्री मुझ तक पहुँची है कि 10 साल से वो स्कूल बंद है, लेकिन अभी भी वहाँ पढ़ाई हो रही है। कौन सी पढ़ाई हो रही है वो जब मैं अंदर जाऊँगी तो फिर बताऊँगी, लेकिन पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। ये बच्चे वहाँ जाके क्या पढ़ रहे होंगे और यहाँ से पढ़ने के बाद कैसे निकल रहे होंगे वो मैंने आपको बताना है। अच्छा जी, स्कूल का जो नाम है वो है रफाई ग्रामर स्कूल के मैं एक सामने मौजूद हूँ, मैं आपको रफाई ग्रामर स्कूल के अंदर लेके जाऊँगी। और कहते हैं ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो उसका कितना असर इस पर पड़ा, इन बच्चों पे पड़ा, मोहल्ले पे पड़ा या हम पे पड़ेगा या शायद देखने के बाद आप लोगों पे पड़ेगा, इसका फैसला इस प्रोग्राम के बाद कीजिएगा। चलते हैं। यहाँ आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ आने का मकसद क्या था। ये स्कूल पिछले 10 साल से बंद है और यहाँ पर तालीम नहीं दी जाती, यहाँ पे तालीम दी जाती है नशा करने की बच्चों को, बड़ों को, और शाम लगते हैं क्लासेस शुरू हो जाती हैं। और अभी भी पता चला है कि यहाँ पे कुछ लोग शायद नशा कर रहे हैं, तो हमारा एक जो कैमरा मैन है वहाँ फ़ौरन गए, तो हम भी चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आ जाइए। क्लासरूम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा, क्या करते हैं आप, कैसे हैं? दुकान है। किसकी दुकान है? वेल्डिंग। किसकी? वेल्डिंग की। वेल्डिंग की दुकान है, तो आप कैसे वेल्डिंग करते हो? तो आप तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे यहाँ पर स्कूल में? ये तो तोड़ में था, तकलीफ में था, नशा कर रहे थे। नशा कर रहे थे? क्यों तकलीफ में थे? आप बोलो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, आप नशा क्यों कर रहे हैं? इसमें तकलीफ में तक दोबारा लग गया, 15 साल छोड़ी थी मैंने, फिर दोबारा लग गया। किसने लगाई? किसी ने नहीं, मैंने खुद ने लगाई। खुद ने लगाई? मैं तो पहली दफ़ा आके बैठा हूँ, मैं इससे पहले नहीं आया, कभी नहीं आया। नहीं, मेरे बराबर में दुकान है, आप चल के देख लें, ये भाई बैठे। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, देखिए मैं आपको तो ये कह रही नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको खुद पता है आप गलत कर रहे हो, है ना? अब आपको पता है, अगर दोबारा मेरे को नहीं देखोगे अभी तरफ, मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूँ, खत्म कर दूंगा मैं इसको। मैं चाहती हूँ आप अच्छी जिंदगी जिए, है ना? सही बात, जिंदगी बड़ी प्यारी है, इसको इस तरह ना करें। देखिए मजबूरियां हम सबके साथ हैं, हम लोग भी मुश्किल में हैं, तकलीफों में हैं, तो ये जो आप कर रहे हो ये आप एक तो पैसे का जिया, अपनी जान का जिया, बिल्कुल, है ना? सही बात। तो आप मुझे थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे, आप कह रहे हैं यहाँ स्कूल कितने साल पहले तक यहाँ पढ़ाई होती थी? मेरा ख्याल 15-16 साल पहले यहाँ पढ़ाई होती थी। 15-16 साल पहले? जी, हालत देख लेना आप, ये पता नहीं इनका आपस का मसला था कोई इस चक्कर में, तो अब ये टोटल मतलब वो गढ़ बन गया जहाँ पे मतलब नशा कराया जाता है, किया जाता है नशा, तो वहाँ बिकता है चक्राकोट में। चक्राकोट में वहाँ से आते हैं लोग? जी, वहाँ से आते नहीं, वहाँ से हम लेके आते हैं। तो वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से रोड पार। रोड पार? अच्छा, मतलब रोड पार आप जाओ, फिर वहाँ से लेकर आओ, फिर यहाँ बैठ के पूरी गैदरिंग। तो आप अकेले क्यों बैठे हैं? आपने गैदरिंग क्यों नहीं लगाई शाम में अकेले? मैं किसी के साथ नहीं गैदरिंग लगाता हूँ, मैं तकलीफ में था, मेरे पेट में मरोड़ हो रही थी, मैं आके बैठ गया बस। मेरे को आज के बाद आप नहीं देखोगे इस नशे के अंदर। मैं चाहती हूँ कि आप ही ना करें। हाँ, नहीं करूँगा मैं आज के बाद, क्योंकि हो गया जलील बहुत। अब अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बस अपने बहुत से अब नहीं करूँगा दोबारा। अच्छा, रोए नहीं, मुझे तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी। मैं तकलीफ में बहुत था, मेरे पेट में मरोड़ हो रहा था, इसलिए मैं बैठा हुआ था। कि पेट में क्यों मरोड़ रहा है डॉक्टर? नशे की वजह। नशे की वजह? मतलब बेचैन है जी। अरे हाय, तो आप कौन सा नशा कर रहे थे? ये पाउडर।
पाउडर, ओ माय गॉड, हीरोइन का नशा। अच्छा देखिए मैं बताऊँ, हम किसी को जलील करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते हैं ना किसी को। मुझे पता है आप लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है। थोड़ा सा मैं बताऊँ, मैं चाहती हूँ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे घर में या हमारे खानदान में, दुकान है, सब कुछ पता है इनको भाई। अगर क्या है, मैं गलत हूँ, मैं खुद गलत हूँ, क्योंकि मेरे को कोई लेके नहीं गया कि निवाला तू खा, क्योंकि गू में खुद हाथ मारा है मैंने, 15-16 साल छोड़ी। किसी शौकिया में किया था किसी ने आपको? किसी ने, कोई शौक नहीं, कोई शौक नहीं, नहीं कोई शौक नहीं, सिर्फ खाली अपने नशा और अपने जौक की वजह से, अपने शौक की वजह से। मेरे साथ बड़े प्यारे से बच्चे भी हैं जो पाउडर का नशा कर रहे हैं। कहते ना हम स्कूल में मौजूद हैं, स्कूल जो कई साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन वहाँ पे अभी भी तालीम नशे की, ड्रग्स की दी जा रही है। और हम बात करते हैं जी स्कूलों की, हम बात करते हैं मियार तालीम का बेहतर कीजिए। मियार तालीम का बेहतर कैसे कीजिए जब इतने बड़े जो प्लॉट्स हैं खाली हैं, स्कूल बने हुए, लेकिन उसको देखने वाला गवर्नमेंट लेवल पे या उनके इदारे या वो चीज़ मौजूद नहीं है कि हाँ देखा जाए या यहाँ पे 2-4 दिन बाद रेड किया जाए कि वहाँ पे हो क्या रहा है। मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? जी मोहम्मद उस्मान। कब से कर रहे हो? मेरे को 1 साल हुआ है। ओ माय गॉड, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? पता है किसने लत लगाई थी? ये दोस्त ने। दोस्त ने क्या करता था स्कूल में? सिगरेट पिलाता था। सिगरेट पिलाता था? तो आपने इसको बोला नहीं कि मैंने पढ़ना है, मैंने माँ बाप का सहारा पढ़ना है? तुम बताओ, तुम इस जाड़ खाने में पड़े हुए हो जहाँ तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर रहे, तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बन पाएगी, तुम अपने लिए पैसा नहीं कमा पाओगे, बल्कि तुम लोगों की चोरियाँ करके डाके डाल के घर चलाओगे। जी नहीं। क्यों करते हो? बस अब लग गया, बस छोड़ते नहीं है। घर वालों को पता है? जी पता है। तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे छुड़वाने में? देते हैं, अभी इलाज भी करवाया है एक मरतबा, मेरा अभी दूसरी मरतबा भी अभी मेरे को भर्ती करवा रहे हॉस्पिटल में। तो तुम खुद से क्यों नहीं फैसला करते? तुम यंग हो, देखो जाहिद का समझ में आता है जी, जाहिद उस एज में जहाँ पर उसके लिए मुश्किल है। तुम यंग हो, जो यंग होते हैं वो अपने आप से लड़ते हैं, वो हर बुराई से लड़ते हैं। तुम तो, तुम्हारा तो ब्लड भी इतना कहते ना तेज है कि तुम आग लगा दो दुनिया को, तो तुम कैसे हो? तुमने अपने आप को आग लगा दी है। बस अब छोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी वालिद साहब, देखो आप मेरे भाई हो, ठीक है? जी जी मेरे भाई हो। मुझे तकलीफ है, मुझे इससे तकलीफ है, मैं अपना प्रोग्राम बनाने नहीं आई। जी जी बिल्कुल, कोशिश करो इसको छोड़ो, ठीक है, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो। मैं अभी आपको सेकंड मैंने बताया था, ज़रा थोड़ा सा जगह दो। आप भी करते हो जी? क्या हो गया? या तो लग रहा है पूरा बाजार बड़ा पड़ा। तो मतलब कितना अर्सा हुआ? मैं मेरे को 2.5 साल हो गया। छोड़ने का दिल नहीं हुआ कभी? छोड़ा भी है लेकिन फिर। कितने का खर्चा महीने का इसका? हाँ मैम, रोज का 100-150-200 रुपए का नशा। लाजमी चाहिए। छोड़ते क्यों नहीं हो? यंग हो। क्या नाम है? मोहम्मद फैजान। फैजान, मोहम्मद फैजान है तुम्हारे नाम के साथ? फैजान मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, समझदार हो, लड़ो उससे, लड़ो। ओके फैजान, आप आओते इधर आओ। पढ़ाई वढ़ाई की है कभी? स्कूल गए हो? जी गए। कहाँ तक पढ़ा है? 5 तक 4 तक? 3 तक। बस 3 तक पढ़ा, उसके बाद तुमने कहा नहीं पढ़ना। तो कब से कर रहे हो नशा? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मैं तुम दोनों को ही बोलूँगी, तुम दोनों ने मिलकर कोशिश करनी है, एक दूसरे की हिम्मत बनो, नशा छोड़ो। ओके चले, मैं अब यहाँ पे उस लड़के को आपसे मिलवाने लगी हूँ जिसने 8 क्लास तक यहाँ पढ़ा है, और 8 क्लास के बाद उसने क्यों नहीं पढ़ा, और ये स्कूल की सूरत हाल क्या हो गई थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हमजा। हमजा तुमने 8 तक यहाँ पढ़ा है, तो जब तक तुम पढ़ रहे थे तो स्कूल की हालत कैसी थी? स्कूल की हालत बहुत अच्छी थी, कम से कम 15 से 2 हज़ार बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर। अच्छा, डे में भी पढ़ते थे, नाइट में भी पढ़ते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जिन्हें वो हेडमास्टर था उनका इंतकाल हो गया था। हाँ। फिर उसके बाद स्कूल बंद हो गया। तो हेडमास्टर का इंतकाल हुआ था, तो हेडमास्टर तो बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद आपको पता है बिरादरी बेसिस पे स्कूल था, जो मालिकान थे इसके स्कूल के। हाँ। तो वो मतलब उनके आपस में इख्तलाफात हुए और स्कूल बंद हो गया। स्कूल बंद हो गया। ये कितने साल पहले बंद हुआ? तकरीबन 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से बंद है। उसके बाद यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हुई। उसके बाद सारे पोल्ट्री चर्सी वगैरह यहाँ पर आके कब्जा कर लिया उन्होंने, बैट के पीते हैं। ये कोई आता नहीं यहाँ पे रैकी के लिए, देखने के लिए कोई इदारे कोई चीज़? नहीं कोई भी नहीं आता। दुख नहीं होता जहाँ से तुमने पढ़ा हो?
बस क्या करें, ये बच्चे जो इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे एज के बच्चे 16-17 साल के, इन लोगों की जिंदगी खराब हो गई। एक गढ़ मिल गया उनको बैठ के नशा करने के लिए। बिल्कुल, ये तो हमारे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे थे हमारे सामने, अब इस आया उसमें हो गए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं जो इस सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी, उनका नाम पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नबील, मेरा नाम है। मैम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नबील, आप कैसे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का कि हमारे नासर कॉलोनी में ये स्कूल 10 साल से बंद है और तकरीबन 1500 से ज़्यादा यहाँ बच्चे तालीम याफ्ता थे, तालीम की तरबियत दी जाती थी। आज इस स्कूल के अंदर हीरोइन की इतनी बड़ी तरबियत दी जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो अपनी ज़िंदगी मौत के बीच में दम तोड़ने में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और पुलिस का किरदार ये है कि पुलिस को मुसलसल फ़ोन करते हैं, रबते करते हैं, SHO साहब हैं उनकी पुलिस जो है ख़ुद ये काम करा रही होती है, यहाँ पर पैसे लेकर जाती है यहाँ से, ना उनको गिरफ़्तार करती है, जबकि ज़िंदगी मौत का जहर है, कब तक लोगों की नसों में ये परवस होता रहेगा ये बताएं। पुलिस कहाँ खड़ी हुई है? पुलिस को जब भी कॉल करो, पुलिस कहीं ना कहीं मसरूफ़ होती है, पुलिस कहीं ना कहीं टाल देती है बात, और अगेंस्ट जब उनके देखते हैं तो यहाँ आते हैं 125 वाले पुलिस वाले, 4-4, 5-5 इनकी झड़तियाँ लेते हैं, इनसे पैसे छीनते और चले जाते हैं, इनको गिरफ्तार नहीं करते। क्यों खुलेआम जहर भी बेचा जा रहा है, क्यों खुलेआम यहाँ जहर की जो ना इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिर पुलिस क्यों कार्रवाई करने से गुजर पुलिस का? मुझे भी पता है कि आखिर क्यों। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें सारे जराइम के काम, जब से SHO है ना टोटल जराइम के काम हो रहे हैं यहाँ पर, हीरोइन यहाँ से अंजाम दे रहे हैं अपने काम, वो पैसे ले साहब चौकी इंचार्ज ने प्राइवेट लोगों को रखा हुआ है, वो गुटके की भीड़ लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये केबिन वालों से लिए जा रहे हैं। मैं केबिन वाले भी आपको बता दूंगा, वो केबिन वाले बताएंगे कि 20-20 हज़ार रुपये गुटके बेचने के हमसे लिए जा रहे हैं। तो पुलिस क्यों ऐसा किरदार करती है? आला हुकाम जो पुलिस के हैं गुलाम नबी मेमन साहब, क्या वो नहीं देख रहे? क्या इनके DIG नुमान सिद्दीकी साहब नहीं देख रहे कि उनकी पुलिस क्या कर रही है? कितनी मरतबा पुलिस मीडिया ने इससे पहले भी दिखाई है सारी चीज़ें, लेकिन पुलिस अपने रवैये को क्यों चेंज नहीं करती है, इसकी वजह क्या है? ये आपके मीडिया के तवज्जो से जो मैं पूछूंगा आला हुकाम से कि खुदारा नासिर चौकी और SHO के ऊपर एक्शन लें और ऐसे जराइम पेशे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू सो मच नबील, ये बड़ी बड़ी बात है, मैं कहती हूँ ये, मैं इनको सैल्यूट करती हूँ कैमरे के आगे, ऐसे सबका नाम लेना बताना कि ये जाके ज़रा पूछें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध के चलते हैं, ये काम दिल वाला ही कर सकता है। अच्छा जी, बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि बच्चे रौनक होते हैं हर जगह की, लेकिन वो स्कूल है जहाँ बच्चे आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे डर ये है कि जब ये स्कूल में मौजूद है तो कोई इनको नशे की आदत ना लगा दे, लत ना लगा दे, क्योंकि ये मासूम खींचते खींचते उस दलदल तक, उस मौत तक आ चुके हैं जहाँ पर नशा बिक रहा है, जहाँ पर नशा हो रहा है। तो अल्लाह महफूज रखे, और स्कूल की जो सूरत हाल है वो आपने देखी। यहाँ एक सवाल बनता है, प्राइवेट स्कूल को इतना देखा जाता है, गवर्नमेंट स्कूल को इतना देखा जाता है, सैयद गनी सर मैं आपसे सवाल करती हूँ, हमारे लिए आप बहुत मोहतरम हैं अगर आपको बुरा लगे सैयद गनी सर को, आप स्कूलों को देख रहे हो, आप गवर्नमेंट स्कूल को देख रहे हो, आप दूसरे स्कूलों को देख रहे हो, मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपको ये नज़र नहीं आता कि जो ऐसे स्कूल बंद हो गए वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप क्या वहाँ जाके उन स्कूलों को प्रॉपर तरीके से चारदीवारी करवा के बंद नहीं करा सकते? या आपकी तक बात नहीं पहुँचती कि इन स्कूलों में नशा होता है, ड्रग्स दी जाती है, हर तरह का नशा होता है? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका नोटिस लिया जाए, इसलिए नोटिस लिया जाए कि जब हम बात करते हैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाओ, तो अपने बच्चों को हमने इस तरह नहीं पढ़ाना, अपने बच्चों को हमने ऐसे नहीं पढ़ाना कि वो जिस तरह से उन अजियत में, उनके घर वाले अजियत में, तकलीफ़ में। तो मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, अगर अल्लाह ना करे हमारे घरों में ऐसा हो जाए तो हम जीते जी मर जाएंगे। तो खैर, ये आपको दिखा रहा था मुझे, यानी कि उस्मा ताहिर को फिलहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए, क्योंकि अभी मेरा अगला फोकस है पुलिस और वो मालिक जिसका ये स्कूल है और उसने इसको इस हालत तक पहुँचाया तो क्यों पहुँचाया। अच्छा जी, मैंने आपको वो स्कूल दिखाया जो माशाल्लाह बड़े बहुत वसी एकड़ पे है और वहाँ की जो सूरत हाल थी वो आपको साथ साथ नज़र आती रही। अचानक से आप ये कह सकते हैं कि हमने एक उन सर पे छापा मार लिया जिनका वो स्कूल है और वो सो रहे थे, तो पर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमसे बात करें ताकि बता सकें कितने साल हो गए ये स्कूल, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपने क्यों ऐसे छोड़ दी, उसको देख नहीं रहे, इसको किसी अच्छे और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उन सर का नाम गुलाम अली सर जी, गुलाम अली सर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं उन्हीं के ज़माने आप तक पहुँचाऊँगी सारी कहानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चले, अच्छा पहले तो बात ये, इतनी खूबसूरत जगह आपकी, इतने बड़े एकड़ पे जगह आपकी, कितने साल हो गए ये स्कूल आपका बंद है? ये मेरे वाली साहब मरहूम हाजी गुलाम सूर साहब ने 1980 में से कायम किया थे इदारे को। ठीक है, बाकायदा हमारे पास लीज है, उसमें 1980 लिखा हुआ है, और मोहल्ले के लिए और बरादरी के लिए बनाया था कि बरादरी में तालीम आए, शुरू आए, तो अल्लाह पाक ने उनको नवाजा हुआ था। अरे हम, उन्होंने थाईलैंड में भी एक मस्जिद बनाई है। ठीक है,
लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो काफिरों का मुल्क है, वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं आती है, लेकिन ये मुसलमान मुल्क है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। मैं 42 ईयर से बाहर में रहता हूँ, वाले साहब का भी कारोबार वहीं था, लेकिन ये इदारा हमने अहले मोहल्ला के लिए अपनी बिरादरी के लिए कायम किया, लेकिन आए दिन इस तरह के लोग आए दिन हमें परेशान करते हैं। अच्छा, यही लोग तकरीबन ये तीसरी दफ़ा इन्होंने ये हमला किया। इससे पहले हमारा बड़ा अच्छा स्कूल चल रहा था, यहाँ से अच्छे अच्छे लोगों ने मेट्रिक करके अच्छे अच्छे कॉलेजों में दाखिला लिया, बहुत आलीशान स्कूल था और मस्जिद, और ये पूरे आपको इस एरिया में इस तरह की मस्जिद नज़र ही नहीं आएगी जो दिल से। और एक और मैं बता देता हूँ, इसमें पूरा अहले मोहल्ला भी गवाह है, मेरी बिरादरी के लोग भी गवाह हैं, एक रुपया भी किसी से चंदा लिए बगैर वाले साहब ने ये पूरा इदारा कायम किया, मगर किस मकसद के लिए, अपनी बिरादरी के लिए और अहले मोहल्ला के लिए, ताकि इससे मुस्तफीद हों और तालीम हासिल करें और शुरू आए। सर बंद क्यों किया? बंद हमने कहाँ किया, बंद तो लोगों ने कर दिया। आए दिन कभी बदमाश गुंडागर्दी करते थे, जो मुझे इतना मिला करती थी, कभी मतलब बंदूक के जोर पे असातिज़ा को तंग करते थे, अच्छा भला स्टाफ था जिसमें नेवी के अपना स्टाफ भी मतलब तालीम देते थे, कभी मांगते थे, परेशान करते थे, पैसे मांगते थे, चोरियाँ करते थे। आज स्कूल की हालत देखें क्या कर दी इन लोगों ने, बनाने में हमें मालूम है कितना जोर आया। तो आपने जो तेर से स्कूल बंद हुआ हुआ है, मतलब एक बात है, यहाँ के बच्चे पढ़ते, इतने प्यारे प्यारे यहाँ के लोग हैं, वहाँ पे नशा हो रहा है, आपको पता है, वहाँ पे नशा हो रहा है, तो वो आप किसी इंतजामिया को दे देते, किसी प्राइवेट बंदे को दे देते, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे देते, वो लुक आफ्टर कर लेता। देखें, प्रॉपर्टी तो चल रही थी, कायम थी, और लोग कर रहे थे। मसला ऐसा है कि कुछ शर पसंद अनासिरों ने हमारे जो इंतजामिया को मारा पीटा, जदो किया, जिसकी हमारे पास क्लिपे मौजूद हैं, शायद मौजूद हैं। अब वो बेचारे क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, वो डरते हैं। अब इन लोगों को तो समझाने के लिए या तो कोई फौज आए या पुलिस वाले अगर ताउन करे, तो हमने तो दरख्वास्तें पुलिसों को दी हुई हैं, अच्छे अच्छे इदारों में, हमारे तो किसी दरख्वास्त में कोई अमल ही नहीं होता। आपको ये नहीं कहा कि ये हमें दे दो जगह, हम इसको स्कूल बना लेते हैं, कोई फलाई इदारा बना लेते हैं, किसी के लिए कोई ऐसी चैरिटी कर देते, जगह तो आपकी रहती, लेकिन वहाँ पे कुछ बनता होता रहता। जहाँ तक, अब क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मामलात को मैंने देखा है, बहुत खराब है, और यकीनन मैं तो उस तरफ जाता भी नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, यकीनन क्योंकि जिस मेरा बचपन इसी स्कूल में गुजरा है, मेरी बहनों ने यहीं से तालीम हासिल की है, क्या आलीशान स्कूल हुआ करता था। आज आज की हालत बड़ी जगह है, इतनी बड़ी हालत देखिए आप इसकी, लेकिन इसको बाकायदा साजिश से इस तरह की हालत बनाई गई है। मैं जहाँ तक आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे इल्म है, इसे बर्बाद किया गया सोची समझी चाल से आपके साथ। बस मैं ये समझी थी कि शायद ये आऊंगे तो कोई कहानी कुछ और निकलेगी, और होगा कि हाँ जी नहीं देखा, भाइयों के झगड़े हो गए, नहीं इत्तेफाक हुआ, तो हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ एक बात पता चला है कि ये इसको बंद करने में साजिश यहाँ के लोगों की है, वो लोग नहीं जो यहाँ खड़े हैं, बल्कि वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ता देखना ही नहीं चाहते। देखें, उन लोगों को तकरीबन, मैं अब नहीं चाहता किसी का नाम लूँ, लेकिन मोहल्ले वाले सब जानते हैं कि वो कितने साहूकार और कितने साफ सुथरे लोग हैं, सब जानते हैं उनको। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा ये मसला हल होगा जल्दी, जब ये होगा तो आप इसको दोबारा से स्कूल बनाना चाहेंगे? मैं तो इंशाल्लाह ताला, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि ये दोबारा से बने, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब का नाम, मैं तो यही चाहूँगा उनका नाम जिंदा रहे। मैं चाहती हूँ स्कूल दोबारा से खुले, दोबारा से ये स्कूल दोबारा से भी खुलेगा, क्योंकि मैं भी अभी आके मैंने देखा, मेरा दिल जो खून के आंसू रो रहा है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला ये दोबारा चले, ये मेरे बिरादरी वाले हैं, इसको खोलने वाले ये खोलेंगे, बस जी यही खोलेंगे, कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी, बस ये दिखाने का मकसद आपको यही था कि मैं समझ के आई थी कि शायद यहाँ की कुछ उल्टा दूसरी मिलेगी, कोई आपस फैमिली प्रॉब्लम होंगे, जायदाद की तकसीम होगी, और इस वजह से सर ये उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ एक बहुत है, लेकिन ना सिर्फ दूसरे हैं जो असले पर, जो गुंडागर्दी पर, जो पावर पर काबिज़ है, और उन लोगों के लिए सिर्फ हदायत की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हदायत अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह करे हदायतदार और इदारे जो कहते हैं तमाम चीज़ें आप उन तक पहुँची हुई हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे, तो मैं आप लोगों से यही सवाल करूँगी, खुदारा आप लोग अपने लोगों का ख्याल नहीं करोगे तो किसका ख्याल करोगे? लोग कहते हैं कोरोना से मरे, कोरोना से मरे, कोरोना से ज़्यादा लोग अपनों की तकलीफ़ों से मर रहे हैं, जो इस तरह के मसाइल है ना, कोरोना से हम सब लड़ जाएंगे, और लड़ते हुए आए, एक साल से लड़ रहे हैं ना, सब लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो तकलीफें हैं कि स्कूल बंद हो गए, कब्ज़ा हो गया मस्जिद पर, इतनी चीज़ें हो गई, खाने के लाले पड़ गए, किसी की रोज़ी नहीं चल रही, ये तकलीफ़ है, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह में आसानी करें, आप हमारे लिए करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से, सलामत रखें, जज़ाकअल्लाह खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।